तो फ्रेंड, यह है राखी गुलजार जी का घर, जो कि करण अर्जुन मूवी आई थी सलमान खान और शाहरुख खान की, उसमें इन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान की मां का रोल अदा किया था और ये डायलॉग उसमें था कि मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे, इन्हीं के द्वारा इस मूवी में ये कहा गया है। तो फ्रेंड, यही घर है उनका और इनके जो पति है गुलजार साहब, वो भी इसी घर में रहते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय शिवाय यूट्यूब ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो अभी हम लोग इस टाइम पे हैं मुंबई के पाली हिल इलाके में। तो आज हम लोग आपको घर दिखाने वाले हैं, करण अर्जुन मूवी में मां का रोल अदा करने वाली राखी गुलजार जी का घर। तो आपको बता दें, उनके हस्बैंड का नाम है गुलजार साहब। तो उनका ये घर मुंबई में कहाँ है, कितना प्राइस का है एंड उनका बायोग्राफी, हम सब कुछ कवर करके आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक बनी रहिएगा। एंड मेरे चैनल में आप लोग नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे का व्यू दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड, आप लोग ये सामने वाला गेट देख रहे हो, जिस बंगलों में व्हाइट कलर का पेंट किया गया है, वही बॉस की आना है। हम आपको इस वीडियो में गुलजार साहब के बायोग्राफी के बारे में बताएंगे और राखी गुलजार जी के बारे में अनसुनी बातें, उनकी बायोग्राफी के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। और हमारे इस वीडियो में उनके घर से रिलेटेड और उनके बायोग्राफी के बारे में सब कुछ देखने और सुनने को मिलेगा। ये जो बड़ा सा गेट देख रहे होंगे, ये गेट नहीं है, ये बगल वाली बिल्डिंग का गेट है। और बगल में छोटा सा ग्रीन कलर का गेट देख रहे होंगे, वही इनका घर का मेन गेट है। आप लोग देख सकते हो, फिलहाल हम आपको साइड से अच्छे से दिखा दे, ये जो आप लोग गेट देख रहे हो, यही है इनका घर का मेन गेट। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा साइड से भी सामने से भी, कितना ज़्यादा ग्रीनरी यहाँ पर लगाया गया है, मतलब घर को बाहर से पूरी तरफ से ग्रीनरी से सजा दिया गया है। तो फ्रेंड, यही है हमारे गुलजार साहब यानी कि संपूर्ण सिंह कालरा जी का घर। और इन्होंने अपनी शादी की है राखी गुलजार से और राखी गुलजार भी इसी घर में रहती हैं, लेकिन अभी वो अपने फार्म हाउस में जा चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर वो हमेशा आती रहती हैं अपने पति के साथ। होली, दीपावली और जितने भी फेस्टिवल होते हैं वो इन्हीं के साथ सेलिब्रेट करती हैं। तो ये इनका घर का मेन गेट है, आप लोग देख सकते हो इसी गेट के रास्ते। तो सोचिए, हम बड़े बड़े पर्दे में उनको देखते हैं, वो इसी गेट के रास्ते से एंट्री करती हैं, मतलब आया जाया करती हैं। और ये इनका घर का बालकनी है। इनका ये जो बंगला है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ऊपर देखिए, वहाँ पर लिखा भी गया है बॉस की आना। हम आपको थोड़ा सा जूम करके भी अच्छे से दिखा रहे हैं, जो इनका घर का नाम है हिंदी में लिखा हुआ है बॉस की आना, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। अभी हम आपको राखी गुलजार से रिलेटेड और संपूर्ण सिंह कातला यानी कि गुलजार साहब से जुड़ी बायोग्राफी बताएंगे, वो भी काफ़ी मज़ेदार बायोग्राफी है इनकी। इधर देखिए, गेट के बाहर छोटे नेम प्लेट में बॉस की आना लिखा हुआ है। ये बंगला देखने में बहुत ही प्यारा नज़र आता है और ये बंगला मुंबई के बांद्रा नरगिस दत्त रोड पर स्थित है। और इनके इस बंगले से आसपास कई एक्टर भी रहते हैं। अगर यहाँ से थोड़ा सा आप लोग आगे जाएंगे तो आपको रणबीर कपूर का कृष्णराज बंगलो अब बिल्डिंग बन रहा है, वो भी नज़र आएगा। और उससे आगे जाएंगे तो आपको वास्तु बिल्डिंग भी वहाँ पर देखने को मिलता है। तो फिर इसी घर में हमारी राखी गुलजार जी और उनके पति गुलजार साहब यानी कि संपूर्ण सिंह कारला जी रहते हैं। यही इनके घर का मेन गेट है और इनके घर में सिर्फ एक ही गेट बना हुआ है, जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ये इनका बालकनी का एरिया है और आगे बहुत सारे पेड़ पौधे होने के कारण इनका ये घर अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा है। अभी हम आपको साइड से भी इनका घर का नज़ारा अच्छे से दिखाएंगे। तो देखिए, इनके घर के आसपास का नज़ारा कितना शांत और अच्छा माहौल है। हर जगह आपको कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर ग्रीनरी लगा हुआ देखने को मिलता है। तो देखिए, अंदर इन्होंने किस तरह से अपने घर को डिजाइन करके बनाया हुआ है। हम चाहते तो थोड़ा अंदर जाकर भी गेट के पास से अंदर का वीडियो बना सकते थे, लेकिन कहते हैं ना फ्रेंड कि किसी के घर में भी ऐसा उल्टा सीधा झांकना और देखना गलत चीज़ है। तो इसीलिए हम आपको दूर से ही जितना हो सके अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि इतने बड़े फिल्म स्टार जिसको हम बड़े बड़े पर्दों देखते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, उनका घर कहाँ है और कैसा है। तो चलिए, अब उन दोनों के बारे में आपको बारी बारी से उनके बायोग्राफी के बारे में जानकारी देते हैं, और वो लोग अभी क्या करते हैं, उनका नेटवर्क क्या है, वो लोग कितना कमाते हैं और वो कैसी अपनी लाइफ जीते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड, संपूर्ण सिंह कातला यानी कि गुलजार साहब का जन्म 18 अगस्त 1936 को दीना के झेलम जिला पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। गुलजार साहब अपने पिता के दूसरे पत्नी के इकलौते संतान है। उनके पिता का नाम मक्खन सिंह कारला और माता का नाम सुजन कौर था। जब गुलजार साहब बेहद ही मासूम और छोटे थे, तभी उनकी मां का इंतकाल हो गया था। देश के विभाजन के वक्त उनका परिवार पंजाब के अमृतसर में आकर बस गया था, वहीं गुलजार साहब मुंबई चले आ गए। मुंबई आकर उन्होंने एक गैरेज में बतौर मैकेनिक का काम शुरू किया, वहीं खाली समय में वो कविताएं लिखने लगे। उसके बाद उन्होंने गैरेज का काम छोड़ दिया। हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक बिमल राय, हरकेश मुखर्जी और हेमंत कुमार के सहायक के रूप में काम करने लगे। गुलजार साहब भारतीय गीतकार, कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक और नाटककार है। गुलजार साहब को हिंदी सिनेमा के लिए कई प्रसिद्ध अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। उन्हें 2004 में भारत के सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें 2009 में डेनी रॉय निर्देशित फिल्म डॉग मिलीनियर में उनके द्वारा लिखे गए गीत जय हो के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीत का ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। इस गीत के लिए उन्हें गैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। गुलजार जी की शादी तलाकशुदा अभिनेत्री राखी गुलजार से हुई है। हालांकि उनकी बेटी के पैदा होने के बाद ये जोड़ा अलग हो गया, लेकिन गुलजार साहब और राखी जी ने कभी एक दूसरे को तलाक नहीं दिया है।
उनकी एक बेटी है जिनका नाम है मेघना गुलजार, जो एक फिल्म निर्देशक है। और आपको बता दें, राखी गुलजार जी हमेशा अपने पति के घर पे आती रहती हैं और उनके साथ सारे फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करती हैं। गुलजार साहब का हिंदी सिनेमा में करियर बतौर गीत लेखक एस डी बर्मन के फिल्म बंदिनी से शुरू हुआ। साल 1968 में उन्हें फिल्म आशीर्वाद का संवाद लेखन किया। इस फिल्म में अशोक कुमार नजर आए थे। इस फिल्म के लिए अशोक कुमार को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों के गाने के बोल लिखे, जिसके लिए उन्हें दर्शकों की तारीफ मिलती रही। साल 2007 में इन्होंने हॉलीवुड फिल्म इस्लाम डॉग मिलेनियम का गाना जय हो लिखा। इन्हें इस फिल्म के लिए गैमी अवार्ड से भी नवाजा गया है। इन्होंने बतौर निर्देशक हिंदी सिनेमा में अपना बहुत ही योगदान दिया है। गुलजार साहब की कुछ प्रमुख फिल्में और टीवी सीरियल का नाम हम आपको बता दें, आंधी 1975, इजाजत 1987, मार्चिस 1996, हुतुतु 1999, मौसम 1975। इसी तरह उन्होंने कोशिश, लेकिन, राजी, मेरे अपने, खुशबू, किनारा, नमकीन अचानक, लिवास, 10 कहानियां, आनंद, ओके जान जैसी कई प्रमुख फिल्में और टीवी सीरियल उनके नाम है। उनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार है, जिसका नाम है एक नज्म मेरी चोरी कर ली कल रात किसी ने, कुछ और नज्में, छैया छैया, त्रिवेणी, रविवार, रात चांद और मैं। गुलजार साहब के कुछ गाने के बोल हम आपको बता दे, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, तुम आए हो तो नूर आया है, तेरे बिना जिंदगी से कोई, वो शाम कुछ अजीब थी, तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। और आपको बता दे, 1972 में कोशिश फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया था और 1975 में मौसम फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। इसी तरह इनको कई सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं और 2013 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो फ्रेंड, वहीं पर अगर राखी गुलजार जी की बात करें तो राखी गुलजार जी का जन्म भारत स्वतंत्रता की कुछ ही घंटे के बाद 15 अगस्त 1947 को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में राणाघाट में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय लड़कियों के स्कूल से प्राप्त की। उनके पिता भारत के विभाजन के पहले ही पूर्व बंगाल में अपने पैतृक गाँव आधुनिक बांग्लादेश में एक फलता फूलता जूता का व्यवसाय था और उसके बाद वो पश्चिम बंगाल में ही बस गए। अभी भी एक किशोरी के रूप में राखी ने बंगाली पत्रकार फिल्म निर्देशक अजय विश्वास से शादी की, जो कि कुछ ही समय के बाद समाप्त हो गई थी। अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत में उन्होंने अपना उपनाम छोड़ दिया और फिल्म में प्रेरित में केवल राखी के रूप में उन्होंने उल्लेख किया था, जिसके नाम से उन्होंने स्टारडम प्राप्त किया। लेकिन गीतकार निर्देशक गुलजार से शादी करने के बाद उन्होंने उसे अपने उपनाम के रूप में लिया और उसके बाद श्रेय दिया जाता है राखी गुलजार के नाम से। यानी कि साफ तौर पर बता दे कि राखी जी की जो पहली शादी थी वो किशोर अवस्था में बंगाली फिल्म निर्देशक अजय विश्वास से हुई थी, जो कि ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई थी। बाद में राखी गुलजार जी ने मशहूर गीतकार, कवि और फिल्म निर्देशक गुलजार साहब से, यानी कि संपूर्ण सिंह कारला जी से शादी कर ली। राखी ने पहली बार साल 1967 में महज 20 साल की उम्र में अपनी पहली बंगाली फिल्म मधुबालन में अभिनय किया था, जिसके कुछ ही साल बाद 1970 में राखी ने अपनी पहली हिंदी फिल्म जीवन मृत्यु में धर्मेंद्र के साथ नजर आई थी। साल 1971 में राखी की 3 फिल्में आई थी, शर्मिली, लाल पत्थर और पारस। उनकी तीनों फिल्में बेहद ही लोकप्रिय रही है। इसके बाद उन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया और 70 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री बन गई। साल 2003 में उनकी आखिरी फिल्म शुभ मुहूर्त रिलीज हुई। इस फिल्म के लिए राखी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस को राष्ट्रीय पुरस्कार की किताब से भी नवाजा गया था। आपको बता दें, जब राखी गुलजार और गुलजार साहब की जब शादी हुई थी और उनकी जब एक बेटी यानी कि मेघना का जन्म हुआ और मेघना सिर्फ 1 वर्ष की थी, तब ये दोनों अलग हो गए। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में फिल्मों से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी बेटी मेघना फिलहाल जस्ट मैरिड और 10 कहानी सहित फिल्मों में निर्देशक बनी है। और 2004 में उन्होंने अपने पिताजी की जीवनी लिखी। एक समय राखी गुलजार जी खार के सरोजनी रोड पर अपने बंगले में मुक्तांगन मराठी नाटककार देश पांडे से खरीदी गई उसमें रहती थी। बाद में उन्होंने वो संपत्ति को बेच दी और 2 इमारत से दूर अपने एक नए अपार्टमेंट में चली गई। हालांकि वो ऊंची इमारत को अभी भी उसी नाम से पुकारा जाता है जैसा उन्होंने चाहा था। 2015 में ज्यादातर मुंबई के बाहरी इलाके पनवेल फार्म हाउस में रहती हैं। आपको बता दें, राखी गुलजार जी हमेशा अपने पति गुलजार साहब यानी कि संपूर्ण सिंह कारला से मिलने आती रहती हैं और हर फेस्टिवल वो अपने पति के साथ ही सेलिब्रेट करती हैं। यानी कि राखी गुलजार जी इस समय अपने पनवेल वाले फार्म हाउस में अकेली रहती हैं और आपको बता दें, वहाँ पर इन्होंने कई सारी जानवर मतलब कुत्ते, गाय, बिल्ली को पाल के रखा हुआ है और अपने फार्म हाउस में ये सब्जी भी उगाती हैं और किताब पढ़ना भी उनको काफ़ी पसंद है। राखी गुलजार की कई ऐसी मूवी है जिसमें वो कभी अमिताभ बच्चन की प्रेमिका बनी है तो कभी किसी हीरो की माँ बनी है। आपको बता दें, राखी गुलजार ने पर्दे में कई बेहतरीन फिल्में की है जिसमें शर्मिली, कस्मे वादे, त्रिशूल, मुकंदर का सिकंदर, दूसरा आदमी, जुर्माना, करुण अर्जुन, बारिश शामिल है। तो फ्रेंड, राखी गुलजार और नरसिंह कारला अपनी शादी 1973 में किए थे। उस समय गुलजार जी ने एक शर्त रखी थी कि शादी के बाद राखी फिल्मों में काम करना छोड़ देंगी और राखी मान भी गई थी। लेकिन शादी के बाद उनकी एक बेटी हुई मेघना, जो एक सफल निर्देशक और निर्माता बन चुकी हैं। राखी ने वादा तो कर लिया था, लेकिन उनका मन फिर से फिल्मों की ओर जाने लगा। उसके बाद गुलजार जी की फिल्म आंधी की लोकेशन की तलाश में कश्मीर गए तो राखी गुलजार को भी अपने साथ ले गए। बताते हैं कि जब फिल्म की पूरी टीम वहां पर पहुंची तो पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी में अभिनेता संजीव कुमार ने भी ज्यादा शराब पी लिया था और नशे के
हालत में उन्होंने सुचित्रा सेन का हाथ पकड़ लिया था। गुलजार साहब को ये सब ठीक नहीं लगा तो उन्होंने सुचित्रा को वहाँ से निकाला और उनके कमरे तक पहुँचा दिया। हालांकि राखी ने जब ये सब देखा तो उन्होंने गुलजार साहब से सवाल किया कि उन्हें अपनी पसंदीदा अभिनेत्री को कमरे तक छोड़कर कैसा लगा। गुलजार जी इस बात से लेकर काफी नाराज हो गए और राखी से बहसबाजी होने लगी। इस गर्मा गर्म माहौल में गुलजार जी का हाथ राखी पर उठ गया। इसके बाद गुलजार जी ने राखी से माफी भी मांगी लेकिन वो इस बात को भुला नहीं पाई। ऐसा कहा जाता है कि राखी और गुलजार के शादी के बाद अलग अलग रहने लगे थे। साल 2020 में राखी गुलजार और अपने परिवार के साथ होली मनाती हुई नजर आई थी इसी घर में। वही उनकी तस्वीर सामने आई थी और सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा शेयर भी हुई थी। यानी कि राखी गुलजार जी कहीं ना कहीं उस बात को भुलाकर अब मतलब अपने पति के साथ हर फेस्टिवल में यहाँ पर मनाने आती रहती हैं। तो फ्रेंड अगर संपूर्ण सिंह कारला यानी कि गुलजार साहब की अगर टोटल नेटवर्क के बारे में बात करें तो उनका टोटल नेटवर्क करीब 40 से 50 करोड़ के आसपास है। और वहीं पर इनकी पत्नी राखी गुलजार जी का टोटल नेटवर्क के बारे में बात करें तो उनका टोटल नेटवर्क करीब 70 से 80 करोड़ के आसपास है। और इनके पास भी लग्जरी गाड़ी जैसे कि BMW मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ी शामिल है। और इनकी बेटी मेघना गुलजार अभी कई सारी फिल्मों का निर्देशन भी कर रही है। तो फ्रेंड यही है इनका घर, आप लोग देख सकते हो। फिलहाल इस घर में सिर्फ संपूर्ण सिंह कारला यानी कि गुलजार साहब ही रहते हैं और इनकी जो पत्नी है राखी गुलजार जी वो अपने पनवेल वाले फार्म हाउस में रहती हैं। यहाँ पर कोई भी फेस्टिवल होता है तो तभी वो यहाँ पर आती हैं। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।